बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में इस बार चैत्र नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर लगाए जा रहे हैं। पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं द्वारा इस बार श्री नैना देवी में लंगरों की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते पिछले कई नवरात्रों में लंगरों की व्यवस्था बंद रही थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट के चलते नवरात्रों में लंगर के आयोजन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिससे पंजाब हरियाणा सहित देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में इस बार चैत्र नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर लगाए जा रहे हैं। वहीं माता का मुख्य लंगर भी अब शुरू हो चुका है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है। आज माँ का दूसरा नवरात्रा है और माँ की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों से माँ के दरबार पहुँच रहे हैं। माँ के दरबार पूरी तरह से सजे हुए हैं और जगह जगह पुलिस बल भी तैनात है और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बेनती करता कि माता जी का लंगर खुला चल पाया। कोरोना की पहला डर थी जिहड़ा वह भी चक्या गया। साडियां संस्थां पंजाब दी आके लंगर लाउण लगियां। सारी संगत नूं बेनती है कि आके लंगर खुला छको, माता जी का खुला लंगर चलता। बोलो जय माता जी। नाम मेरा रवि कुमार गरगई, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा मोड़ मंडी तो आया गा। तो माता जी के दर्शन करन दा कई सालों का प्रोग्राम बनी जाता सीगा, दो सालों तो करी जाते सी माता जी दर्शन करने, माता दर्शन करने। लेकिन माता ने अज बुलाई लेता आदे भगतों। तो माता जी का जो इत सजावट है, जो इत भवन की सजावट है, बहुत ही ज़्यादा वधिया हैगी। जाने कि देख के बंदे रूह खुश होंगी, इतने बहुत ज़्यादा वधिया। तो इतने भगतों के मेले लगे पे ने इतने। तो जय माता दी, जय माता दी जी। जी असी अपना 90 तो आए थे जी, शिवमंदर मोतीपुरी तो माता दे नराते शुरू हो रहे हैं। असी अपनी माता दी जोत लैके जा रहे हैं। तो अपना 9 दिन का जिहड़ा साडा दुर्गा स्तुति दा पाठ अपना करांगे। तो शाम नूं कीर्तन भी हुंदा, माता दी कड़ाही भी लगती है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। कुमार विंग की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी की क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है nerveducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू